देख रहे हैं ICN News। अधिक जानकारी के लिए हमारे Facebook पेज को लाइक करें। यदि आप YouTube पर हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और Instagram पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यह है सत्य सटीक विश्वसनीय। नमस्कार, ICN News में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनल व्यास। बड़ी खबर इछावर नगर से है। इछावर की लापरवाही कोरोना के संकट को कहीं भयावक ना कर दे। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर भारत भूषण शर्मा ने आज सुबह जानकारी में बताया कि दिन में 5 और संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ अभी तक आंकड़ा 12 को छू गया है। मरीजों का प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा मुख्य उपचार जिला मुख्यालय में चल रहा है। दूसरी ओर धीरे धीरे कस्बे में संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। कुछ अल्पज्ञानी और लापरवाह लोग अफवाहों का बाजार गर्म कर कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। कई लोगों की लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह पॉजिटिव केसों को भी सही नहीं मानते। ऐसे नासमझ लोगों की वजह से ही आज देश में ऐसे हालात बनते जा रहे हैं। कोरोना का आंकड़ा 10 लाख से पार हो गया है। ऐसे लापरवाहों पर नकेल कसना सख्त से सख्त जरूरी है। प्रशासन नगर में पूरी तरह मुस्तैद है। प्रशासन से आज प्राप्त जानकारी के अनुसार जुम्मा चौक मुकातीपुरा तथा गंजीवट क्षेत्र में प्राप्त पॉजिटिव केसों के लिए कंटेनमेंट एरिया चिन्हित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है और चिन्हित स्थानों को सील कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन ने व्यापारियों के साथ भी बैठक कर बाजार में बढ़ रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लोगों को जागरूक करने और आपसी सहयोग की अपील की है। जो लोग बिना मास्क के बेवजह घूम रहे हैं, उन पर चालानी कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। ICN आपसे अपील करता है कि कोरोना जैसी महामारी को हल्के में लेना और नासमझी दिखाना आपके और आपके परिवार के लिए बड़े संकट को दावत देने के बराबर है। जिस महामारी ने पूरे देश को अर्थव्यवस्था की रीढ़ को झुका रखा है, उसी महामारी के प्रति गैर जिम्मेदारी का रवैया किसी मूर्खता से कम नहीं है। एक अच्छे नागरिक होने के नाते प्रशासन का सहयोग करें और लापरवाही ना बरतें। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट ICN News पर। लगातार इछावर में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना बहुत तेजी से अपना पैर पसार रहा है, तो इसी विषय में हम BMO डॉक्टर BB शर्मा सर से बात करेंगे इस विषय में कि सर आपकी इस विषय में क्या राय है कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या लोगों के प्रति आप कहना चाहेंगे कि किस किन किन सावधानियों का ध्यान रखें? नहीं, कोरोना जो कोविड का संक्रमण है वो बढ़ तो रहा है इछावर में, ये बात सही है, परंतु इसके प्रतिरोधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। जाँच करते हैं तभी पता चलता है कि पॉजिटिव है। जिनकी जाँच हो रही है फिर उनके कॉन्टैक्ट कौन कौन है, उनके संपर्क में कौन आए हैं, फिर उनकी जांच होती है तो वो पॉजिटिव आते हैं क्योंकि उसके क्लोज कांटेक्ट में रहे हैं, इसलिए वो पॉजिटिव हैं। दूसरा मुख्य मुद्दा ये है कि फैले ना, जो आपने पूछा क्यों किस तरह से उपाय किए जाएँ कि ना फैलें। इस संबंध में SDM साहब ने कल थाने में एक जो यहाँ के व्यापारी संघ है उसके साथ एक बैठक रखी थी, उसमें निर्णय लिया गया है कि जो बिना मास्क के जो भी इछावर में पाया जाएगा बिना मास्क, उस पर जुर्माना किया जाएगा। क्योंकि मास्क बहुत कंपलसरी है। मास्क यदि लगाएंगे, यदि दो व्यक्ति मास्क लगाते हैं जिसको कोरोना संक्रमित है और जिसको नहीं है, अगर दोनों मास्क में हैं तो 99% फैलने की संभावना ख़त्म हो जाती है। और यदि एक व्यक्ति ने मास्क लगाया है और दूसरे ने नहीं लगाया है जिसको पॉजिटिव है, तो 75% संभावना रहती है कि कोरोना हो जाएगा। इसलिए सबको मास्क लगाना ज़रूरी है, ये नहीं पता है कि किसको है। अगर मास्क लगाने की कार्रवाई अगर ठीक से हो जाए तो इससे काफ़ी बचा जा सकता है। 75% बचाव तो केवल मास्क से हो जाए। इसके अलावा दूसरी जो हाथ धोने वाली बात है, सैनिटाइज करना है, ये ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ इकट्ठी ना करें, एक दूसरे से दूर रहें, पास पास खड़े ना हों। दुकानदारों को भी बताया गया है किस तरीके से आपको ग्राहकों से सामान लेना है, कैसे पैसे लेना है, सब जानकारी दी गई है। अब तो मुख्य भूमिका लोगों की है यहाँ पर कि वो इसको किस तरीके से लड़ते हैं इससे, और जो शासन ने निर्देश दिए हैं उसका किस तरीके से पालन करते हैं, इसी पे सब कुछ निर्भर है। कल इछावर में प्रशासनिक अमले द्वारा एक बैठक की गई जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि शाम 7 बजे के बाद मार्केट बंद किया जाएगा, तो इस विषय में बात करते हैं हमारे SDM सर श्री ब्रजेश सक्सेना जी से। सर, पहला सवाल तो ये है कि कल जो बैठक में आपकी चर्चा की गई बहुत ही अच्छा मुद्दा है और बहुत अच्छी कार्रवाई है, लेकिन सर उसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि लोग बिना मास्क के और बिना सावधानी के लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उस विषय में आपका क्या कहना है? हम अभी पब्लिक को अनाउंस करा करके और पहले अवेयर करने का प्रयास करेंगे। मैंने कल धारा 144 का ऑर्डर पास किया हुआ है जिसमें 7 बजे हमारी मार्केट बंद हो जाएगा इछावर का। और दूसरा, हमने उसमें ये भी उल्लेख किया है आदेश में कि जो बिना मास्क के घूमते पाया गया
उस पर हम लोग जुर्माना करेंगे। दुकानदारों को भी उसमें जुर्माना करने का प्रावधान हमने रखा है कि अगर वो दुकान पर अनावश्यक भीड़ लगा के रखेंगे तो उन पर भी हम लोग जुर्माना करेंगे, आवश्यक हुआ तो हम दुकान भी सील करेंगे अगर नहीं मानते हैं तो। ये इसके हमले बचाव है। और दूसरा इसमें कोरोना संक्रमण बचाव का सीधा सीधा यह कि जो मास्क लगा के रहेगा उसको 90% तक कोरोना वायरस से मुक्ति मिल सकती है, मतलब उसको संक्रमण नहीं होगा। जो मास्क नहीं लगाते हैं उसमें संक्रमण का ज़्यादा है। दूसरा, दुकानदारों से हमने ये बोला है कि जो पैसे का नगद लेन देन कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट हाथ में नहीं लेकर के उसका एक ट्रे या गुल्लक में डलवाएं और पैसा दूसरे दिन उसमें से उठाएं, तो इससे भी वो दुकानदार भी अपने आप को बचा सकते हैं। एक और सवाल है सर कि जिन एरिया को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है वहाँ पर शासन द्वारा कुछ सहायता राशि प्रदान की जा रही है, ऐसा कुछ है क्या? शासन द्वारा तो कोई अभी हम लोग राहत नहीं दे रहे हैं। हमने वहाँ दो नगर पालिका के 2-3 बंदे लगाए हैं, अगर जिसको जो आवश्यक सामान होता है हम वहाँ पहुँचाते हैं। आप देख रहे हैं ICN न्यूज़, कैमरामैन शुभम के साथ ललित मुकाती की रिपोर्ट। प्रश्न था हमारा कि साफ सफाई को लेके इछावर में क्या अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर कोरोना का संक्रमण जो है लगातार बढ़ रहा है। नगर परिषद इछावर द्वारा प्रतिदिन की सफाई के अतिरिक्त विशेष सफाई अभियान जारी है। प्रत्येक गली मोहल्ले में साफ सफाई के अतिरिक्त सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है एवं नागरिकों को समझाइश दी जा रही है। कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है, इससे बचने के लिए नगर के नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है और नगर के नागरिकों को इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए 3-4 उपायों को करना अति आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अर्थात कम से कम 4 से 5 फीट की दूरी बनाए रखें। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति नगर का मास्क अनिवार्य रूप से लगाए, दिन में 7-8 बार सैनिटाइजेशन करें या साबुन से हाथ धोए। साथ ही जरा सा भी कुछ लक्षण नज़र आए, खांसी बुखार, तो स्थानीय हॉस्पिटल में दिखाएं। इन 4-5 छोटी सी सावधानियों को बरतने से इस वैश्विक महामारी से बचा जा सकता है और नागरिकों से पुनः अनुरोध है कि इनका पालन करके इस वैश्विक महामारी से बचें। फिलहाल हम मौजूद हैं स्वास्थ्य विभाग के उस अमले के साथ जो कोरोना पेशेंट को हैंडल करते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने PPE किट पहनी हुई है और PPE किट पहनने के बाद किस तरीके का महसूस होता है जानते हैं उन्हीं से। आपका शुभ नाम? धर्मेंद्र यादव। ये जो किट आपने पहनी, इसको पहनने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? पूरी गर्मी भयंकर घबराहट होती है, उसमें आदमी पूरा पसीने में भीग जाता है, लेकिन क्या अगर घंटों तक पहन के रखना पड़ता। दूसरा ये कि आप कोरोना पेशेंट को कैसे हैंडल करते हैं? कोरोना पेशेंट का पीछे बिठा के ले आते हैं और थोड़ा उसका ध्यान रखते हैं, भाई उसको कोई हाथ वाथ नहीं लगा, विंडो सब बंद करके ले आते हैं ताकि वायरस ऐसे ना फैले। देख रहे हैं ICN न्यूज, अधिक जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह है सत्य सटीक विश्वसनीय।